देखा जाए तो आज के ज़माने में कौन नहीं जाएगा कि उसके सारे काम बैठे बैठे हो जाए। तो आज की वीडियो में कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग डिवाइस है जो कि हमने पास में RF मॉड्यूल स्विच रिसीवर। तो ये क्या काम करता है कि जो आपके घर में लाइट होती है यानी कि जो पंखे कूलर वगैरह ट्यूबलाइट जो भी होती है वो सारे आप एक ओनली एक रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरी वायरिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए इस डिवाइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये डिवाइस 230 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क करता है और आप अपने घर के चार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेंस को इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिवाइस के रिमोट कंट्रोल की डिस्टेंस 30 मीटर तक होती है। तो बात करें इसके रिमोट की तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। इसमें जो ABCD स्विच लगे हुए हैं वो आपके अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है, और इसमें जो ये ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं ये आपके पूरे डिवाइस को ऑन ऑफ करने के काम आता है। यानी कि आपको जो सारे अप्लायंसेस जो आपने इसमें कनेक्ट करे हुए हैं उनको आपको सभी को बंद करना है या फिर पूरे डिवाइस को बंद करना है, उसके लिए ये यूज़ में आते हैं। ओके, तो अब हम ये जो हमारे पास RF रिमोट मॉड्यूल है इसकी वायरिंग करेंगे। तो आप देखिए ये ऊपर इसमें तीन वायर लगे हुए हैं। अब ये तीन वायर है हमारे जो ये रिमोट मॉड्यूल है इसको इनपुट सप्लाई देने के लिए, और नीचे जो ये चार वायर लगे हुए हैं इसमें ये हमारे आउटपुट के वायर है, और साथ ही साथ आप देखिए इसमें एक छोटा सा वायर निकला हुआ है। तो ये है हमारा सेंसर जो कि रिमोट की कनेक्टिविटी को सेंस करता है। ये हमने हमारे चारों अप्लायसेंस को लगा दिया है जिनमें दो फैन है और दो बल्ब है। अब 230 वोल्ट सप्लाई भी लगा देते हैं, फिर इसकी वायरिंग करेंगे। ये जो हमारे पास डिवाइस है सबसे पहले हम इसको इनपुट देंगे यानी कि इसको फेज न्यूट्रल देंगे। तो ये ऊपर के तीन वायर हैं, तो ऊपर के तीन वायर में से सबसे ऊपर वाला वायर हम छोड़ देंगे और नीचे के जो दो वायर हैं इन पर फेज न्यूट्रल सप्लाई देंगे। इनपुट देने के बाद अब हम आउटपुट देंगे, और ये आउटपुट रहेगा हमारा जो हमारे अप्लायंसेज हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे न्यूट्रल, और न्यूट्रल हम लेंगे जो अपने ऊपर तीन वायर थे तो उसमें से एक वायर छूटा हुआ है सबसे ऊपर वाला, ये रहेगा हमारे न्यूट्रल जो कि जाएगा हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं उनमें। ओके, तो न्यूट्रल हमने इसमें सारे अप्लायंसेज में दे दिया है। अब जो सेकंड वायर रहता है हमने फेज का, यानी कि न्यूट्रल हो गया, अब फेज हमें देना है। तो नीचे इसमें डिवाइस में चार वायर हमारे छूटे हुए हैं, तो ये बारी बारी से हर एक वायर हर एक अप्लायंसेस में कनेक्ट होगा। तो चलिए ये भी इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसमें वायर चारों कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी डिवाइस की वायरिंग कंप्लीट होगी। अब आप इसको डायरेक्ट सप्लाई देकर और रिमोट से आपके जो अप्लायंसेस हैं उनको ऑन ऑफ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।